पूरा वीडियो के लिए, स्पेसिफिकली इसके लिए। अधिकतर लोग अपने अपने गाने का जब नया वर्जन बनता है उसके लिए कुछ करते नहीं है, वो कंपनी पे छोड़ देते हैं। ये बादशाह का बड़प्पन है, ये केसारी का बड़प्पन है, ये अक्षरा की ग्रैंडनेस है जिसकी वजह से गाना इतना बड़ा हुआ। और मैं एक चीज और बोलूंगा, जब मैं गाना देखता हूँ इन्होंने बोला जो स्टाइलिंग इस गाने के अंदर है और जो कोरियोग्राफी इस गाने के अंदर है, आपको किसी भी बॉलीवुड गाने से ये कम नहीं दिखता। और इसके लिए बहुत भोजपुरी में गाया है पहले, लेकिन दिस इज रियली मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह मुझे खेसारी भैया अक्षरा द ब्यूटीफुल मेरी बेस्ट फेवरेट हीरोइन की है सॉरी इन भोजपुरी इंडस्ट्री नाउ शी इज अचीविंग ग्रेट हाइट्स एंड आई एम रियली हैप्पी कि बादशाह सर इज ऑल्सो इन दिस सॉन्ग एंड मतलब इसे अच्छा लॉन्च मेरे लिए क्या हो सकता था। बद्री जी थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी सिंग एंड सर आई एम रियली ऑनर्ड टू सिट हियर विद यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पर लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लिसनिंग सेशन हमने किए हैं इस गाने को लेकर, आपकी आवाज़ की तारीफ खुद खेसारी जी कर रहे हैं, तो उस पर क्या ही कर सकते, तो सबों को आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा लगा। और अक्षरा को इतना सूट किया आपका वॉइस की मतलब बता नहीं सकते हम लोग, तो आई थिंक अब अक्षरा जी डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे। ये तो अब मैं प्रेस से बोलूँगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं खेसारी जी, विक्रम जी और अक्षरा लेने के लिए, तो कुछ आप शुरू कर सकते हैं। माइक आपको शेयर करवाना था। 1903 में जब पहला गाना हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हुआ था, उस गाने से लेकर आज तक 120 साल के म्यूजिक इंडस्ट्री की धरोहर हमारे हाथ में है। लता दीदी और केएल सहगल साहब इस गाने जो चलते जा रहे हैं, और आज की तारीख में खेसारी, वो पूरी पूरी सीक्वेंस हम लोगों के पास है। और हमारा ये मान के चलना है कि हमारे कल्चर को बाहर लेकर आना बहुत जरूरी है, और कल्चर से बॉम्बे और दिल्ली में नहीं बैठा रहता। कल्चर जब आपके देश की आबादी जो है उसमें कल्चर, हर शहर का अपना कल्चर रहता है। और भोजपुर बोलने, भोजपुरी लैंग्वेज के फैन बहुत बड़े हैं, और ये बात छुपा रहता है हमेशा, क्यों है ये बिहार यूपी छत्तीसगढ़ झारखंड में रह जाता है, इसको बाहर लेकर आना हमारा पूरा अटेम्प्ट ये है। भाई तमिल तेलुगु, आप तमिल का मैं आपसे पूछूं कब बड़ा हो गया, जब रजनीकांत ने उसको बड़ा कर दिया तो वो चेन्नई से बाहर निकलकर हम सबका हो गया। हम वही काम भोजपुरी के तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। का ये गाना निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कुछ अश्लीलता से अगर हम बात करें तो क्यों नहीं काशी को कुछ एक ऐसा उपहार, एक ऐसा चीजें दी गई जो इससे दूर हो। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि इस गाने की अगर हम बात कर ले तो काशी कुछ और अपेक्षाएं आपसे कर रही थी, यहाँ पर ही एक बॉलीवुड टॉलीवुड सभी सेक्टर से शूटिंग होती है, लेकिन सर क्यों नहीं इससे दूर हट के हमने इस पर विचार किया। इनका कहना है, मैं प्रेसिडेंट काशी पत्रकार संघ सुभाष चंद्र सिंह, इनका कहना यह है कि पहले की फिल्मों में जो है, जो भोजपुरी की फिल्में बनती थी जैसे नाजिर हुसैन वगैरह थे, इन लोगों ने जो फिल्में बनाई हैं उसमें गाने भी अच्छे होते थे, फैमिली के साथ बैठकर देखने में लोगों को मजा आता था। लेकिन आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री है और जितनी अश्लीलता उसमें भर गई है, उसको लेकर के लोगों की रुचि में उतनी नहीं है कि लोग उसके सिनेमा या थिएटर की ओर जा सकें। तो क्या इन दर्शकों को खींचने के लिए आप लोग कुछ इस तरह का कदम उठाएंगे? सर लास्ट आपने भोजपुरी फिल्म कब की थी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं तो भोजपुरी फिल्म यही ससुरा बड़ा पैसा वाला मनोज तिवारी की लास्ट वही देखा था सर। इधर बीच कोई फिल्म देखी आपने? नहीं, इधर हमने देखा और नहीं देखी होगी सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने नहीं देखी। यूट्यूब पर ये सब पे आता है, कभी कभी देखता हूँ। जो साउथ की फिल्मों को इसलिए लोग देखते हैं कि उसमें कुछ देखने लायक होता है जी, लेकिन आप भोजपुरी को कैसे साउथ की इतनी बड़ी फिल्म से आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, हमारा बजट बहुत कम है, हमारे यहाँ आर्टिस्ट बहुत कम है, अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं जो ग्रो कर रहे हैं,
एवरीडे दे आर वर्किंग हार्ड. आप अश्लील सबसे पहले जितने भी पत्रकार हैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि आप पहले एक भोजपुरी फिल्म देखिए, आप पहले एक अच्छा गाना देखिए, तब जाके पूरे भोजपुरी समाज पे उंगली उठाइए प्लीज. एक सालों पहले का एक माइंडसेट बना हुआ है, जो माइंडसेट आप लोग नहीं बदल रहे हैं सर. हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसमें आप लोगों का भरपूर योगदान चाहिए. हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है, वो आपकी. अगर आप इस तरीके से सवाल करेंगे ना तो पूरी दुनिया उसी नजर से हमें देखेगी. नहीं, विक्रम जी ने अभी जो बताया है कि इसको हम बड़ा आयाम देना चाहते हैं और देशों में 17 देशों में भोजपुरी बोली जाती है. फिजी, गयाना, जमैका, ट्रिनिडाड, आपके मॉरिशस, ये सब देशों में, नीदरलैंड, तमाम जो है भोजपुरी वासी है वहाँ बसे हुए हैं. और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या या सुनने वालों देखने वालों की संख्या 22 करोड़ है पूरी दुनिया में. डेफिनेटली. तो उन्हें आकर्षित करने के लिए आपको कुछ अच्छा करना होगा. सर, हर कोई अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहा है, बस उसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए. Try to understand this. We all are working so hard. आप imagine भी नहीं कर सकते हैं हमारी भोजपुरी का ग्राफ किस तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. जितने यंगस्टर्स हैं, जितने यूथ हैं आज जुड़ रहे हैं. आज लोग बॉलीवुड से या आज सारे गामा यहाँ पे हैं या सर हमारे साथ बैठे हैं. इसका रीजन ये है कि हमारी भोजपुरी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है सर. हमारे गाने मिलियंस में जा रहे हैं. बॉलीवुड के एक गाने को उठा लीजिए और भोजपुरी के उठा लीजिए तो कई गुना ज्यादा अंतर मिलेगा आपको व्यूज वाइज भी. तो हम सब मेहनत कर रहे हैं सर. उसमें मैं सबों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, प्लीज, एंड चेंज योर माइंडसेट. अश्लीलता, 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 दैट्स इनफ. प्लीज गाइस, इसको बंद करिए प्लीज. थैंक यू वेरी मच. कौशलेंद्र एक राइटर हूँ, मेरा यही तारुफ है. पर्दे के पीछे मेरा एक और भी तारुफ है, वो शायद मैं बाद बताऊँ. अभी हमारे पत्रकार साथी ने पूछा, मेरा सिर्फ एक सवाल है, हम हिंदी के गानों को भोजपुरी के ऊपर लादना क्यों चाहते हैं जबकि भोजपुरी अपनी वसीयत विरासत है और जो बहुत ज्यादा समृद्ध है. हिंदी को हम उस गाने को भोजपुरी जैसा भी दिखाना चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि भोजपुरी आप ऐसे दिखाइए कि दूसरे आपकी नकल करें, दूसरे भोजपुरी की नकल करें, आप तब ज्यादा आगे जाएंगे. इस गाने में सीधे सीधे आपने गाने की नकल की है, जो रिमिक्स हो सकता है रिमेक हो सकता है. मेरा सिर्फ इतना सुझाव है, मैं एक राइटर हूँ, स्कॉलर भी हूँ, लिखता भी हूँ, मुझे लगता है भोजपुरी बनाए करके भी हम लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं. हम किसी की तरह क्यों देखें? अच्छा, हम किसी की तरह क्यों देखें? हम लोग अपनी तरह, हम किसी की तरह नहीं दिखना चाहते. सॉरी, इस पूरे गाने में मैं हम किसी की तरह नहीं दिखना चाहते सर. आप एक भोजपुरी गाने की बात कर रहे हैं. आई थिंक जितने बड़े म्यूजिक चैनल्स हैं, जितने बड़े म्यूजिक लेवल हैं, वो सब हर एक गाने का, जितने पुराने गाने थे उसका रीमेक कर रहे हैं. आप देख सकते हैं दो घूट हो गया या और भी बहुत सारे गाने हैं जो बन रहे हैं. तो एक छोटी सी पहल है कि हम भोजपुरी में भी उसका रीमेक करें. पर हमने किसी के स्टाइल को फॉलो नहीं किया है और इसमें कहीं से गलत बात भी नहीं है. अगर कोई बॉलीवुड अगर अच्छा कर रहा है और हमने एक प्रयास किया कि हम भी उनसे थोड़ा सा बेहतर एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करें, तो इसमें गलत क्या है सर? बिल्कुल गलत बिल्कुल नहीं है जी.